फर्जी पुलिस निकला बाइक चोर, बाइक लेकर फरार होने वाले फर्जी पुलिस हुए गिरफ्तार। कल्याण की गोलसेवाड़ी पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से नकली पुलिस को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दिलीप शांताराम पाटिल जलगांव का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को इंद्रजीत गुप्ता अपनी मोटरसाइकिल पर कल्याण पूर्व नेतीवली में जा रहे थे। फर्जी पुलिस कर्मी दिलीप पाटिल ने उसे रोक लिया और वाहन के कागजात मांगे। जब गुप्ता से 1100 रुपए जुर्माना भरने को कहा गया तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे। फर्जी पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल लेकर वहां से निकलने लगा और कहा कि गाड़ी चाहिए तो पुलिस थाना आकर छुड़ा लेना। कुछ देर बाद गुप्ता पैसे लेकर थाने पहुंचा, बाइक कहीं नहीं दिखी। ठगी का शिकार गुप्ता ने पूरी कहानी कोलसेवाड़ी पुलिस को बताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेंद्र देशमुख ने एपीआई हरिदास बोचारे और एपीआई दिनकर पगारे को केस की जिम्मेदारी सौंपी। सीसीटीवी की मदद से आरोपी दिलीप पाटिल को कुछ ही घंटों में चिंचवाड़ा इलाके से गिरफ्तार कर लिया। दोपहर को एक कंप्लेनेंट मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता पुलिस स्टेशन में आए और उन्होंने बताया कि उनकी मोटरसाइकिल विद जो फेरी वाले का धंधा करते हैं वो माल के साथ कोई दो लोग आए और उन्होंने पुलिस बता के उनका गाड़ी और उनके साथ जो गाड़ी के साथ जो फेरी वाले का माल था वो लेके गए। तो उसके अनुसार जब कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन में आ गया तो सीसीटीवी फुटेज थ्रू वेरीफाई करके हमारे डीबी स्टाफ के एपीआई भोसरे साहब और एपीआई पगारे साहब और उनकी टीम ने कोऑर्डिनेशन करके अच्छा काम करके उसे 2 घंटे के अंदर ढूंढ के लाए। और जांच के दौरान पता चला कि आरोपी का पहले भी गाड़ी चोरी के मामले में रिकॉर्ड दर्ज है। उसके पास तहकीकात करने के बाद ये जो मिस्टर पाटिल है दिलीप शांताराम पाटिल ये अक्यूज ये रिकॉर्ड के ऊपर जिससे उसके नाम पे बहुत सारे गुने दाखिल है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट।